दोस्तों क्वेश्चन आप सुनो, 21 वस्तुओं का क्रयमूल्य 14 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 21 वस्तुओं का क्रयमूल्य, 21 वस्तुएं 14 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है तो जो दोस्तों जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे यानी कि CP। कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएंगे यानी सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगी दोस्तों 21 हो जाएगी। अब दोस्तों कोई वस्तु 14 में खरीदी 21 में बेची तो 14 से 21 रुपये आए यानी कि आप कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का। लाभ प्रतिशत बराबर 7 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पर? 14 रुपए पर इंटू 100/1, 7 से काटा 7 दूनी 14, 2 से काटा 50, तो अब उसको कितना परसेंट लाभ हो गया? 50% लाभ हो गया, 50% उसको लाभ हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।